नमस्कार, लोकतंत्र 2013 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। छत्तीसगढ़ में मतदान का काम मंगलवार को पूरा हो गया। अब 25 नवंबर को मध्य प्रदेश और मिजोरम में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनावी गहमा गहमी से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75% मतदान। आदिवासी इलाकों में लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस नेता अजीत जोगी समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। जीत का दावा, 8 दिसंबर को नतीजे। राजस्थान की रैलियों में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने अपने अपनी पार्टी को बताया गरीबों का हमदर्द। चुरू सीट पर 13 दिसंबर को मतदान। और दिल्ली में आज नाम वापसी का आखिरी दिन। 70 सीटों के लिए 990 उम्मीदवारों ने के पर्चे सही, 210 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज। लोकतंत्र में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 74.70% यानी तकरीबन 75% रिकॉर्ड मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक आंकड़ों में और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अंतिम आंकड़ा आने तक वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राज्य के 19 जिलों की 72 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ, जिसमें उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाके शामिल हैं। दूसरे दौर के चुनाव में आयोग ने 8,69,00,000 नकदी और 38,000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की। पेड न्यूज से संबंधित 22 मामले दर्ज हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 72 सीटों पर हुआ कुल मतदान प्रतिशत राज्य में अब तक का रिकॉर्ड है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर 71.09% वोटिंग हुई थी। पहले दौर की 18 सीटों पर हुए मतदान में भी रिकॉर्ड 75.53% वोटिंग हुई थी। The poll figure comes to 74.70%. This is a tentative figure as of information available at this stage. For this constituency, the 2008 polling percentage was 71.09. As you are aware that in the phase one of the Chhattisgarh, the polling percentage was finally 75.53. Put together, that we will get the final figure for the phase two, and we can conclude that the voter turnout was very impressive and the highest ever so far. तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग का काम मंगलवार को पूरा हो गया। आखिरी दौर के लिए हुए मतदान में 19 जिलों की 72 सीटों पर वोट डाले गए। बेमेतरा जिले में हिंसा की एक घटना को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिले की साझा विधानसभा सीट के भिंडरवानी मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हुए। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के विधानसभा चुनावों की। मंगलवार सुबह ठिठुरन और गहरे धुंध के बीच लोग 8 बजते ही मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं और धूप निकलने के साथ मतदाताओं की तादाद और जोश भी बढ़ता गया। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी अच्छे अवसर होता है 5 सालों में, तो हर जन लोगों को मत देना चाहिए, मेरा यही राय है। वोटिंग में किसी भी तरह की मुश्किलों से निपटने के लिए खास सुविधा केंद्र बनाए गए थे। कई इलाकों में रास्ता मुश्किल होने के बावजूद मतदाताओं की उमंग पर इसका फर्क नहीं पड़ा। पहले घंटे में ही 15% वोट डाले गए, जबकि दिन बढ़ने के साथ साथ दूर दराज से आए लोग भी मतदान केंद्र पहुंचने लगे थे। दिन के 12 बजे तक 30% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। महिलाओं में खास उत्साह देखा गया। सबसे पहले तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, अपना हक जो मिला हुआ है, और यहाँ पर समानता रहती है कि पुरुष प्रधान या महिला प्रधान के लिए यहाँ पे एक एक वोट का महत्व रहता है। पहले दौर में हुई छिटपुट हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात थे। माओवादी प्रभावित इलाके में खास चौकसी बरती गई, लिहाजा सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी अधिकारियों को ये सख्त और एकदम कड़े निर्देश हैं कि कोई भी यदि किसी प्रकार का कानूनी प्रावधान के तहत व्यवधान डालता है तो कठोरता से एकदम कानूनी कार्रवाई करें, चाहे कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। आदिवासी इलाकों में पोलिंग बूथ पर महिलाओं की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन बुजुर्गों का उत्साह भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर अब भी वोटिंग को लेकर खास तरह की ललक थी। यही हाल पहली दफा वोट डालने वाले नौजवानों का रहा। जो भी आपको लगता है कि जिसको भी आप डिजर्व समझते हैं उसी को ही आप अपना बहुमत वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट भी
उनको विजयी बना सकता है। कुछ इलाकों में ईवीएम में गड़बड़ी भी देखी गई, लिहाजा पहले घंटे में ही 10 ईवीएम को बदलना पड़ा। शहरी इलाकों में भी खासा उत्साह देखा गया। मैं ये सोचती हूँ कि हर संयुक्त नागरिक को वोट देना चाहिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत करप्शन है, इसलिए सही नेता या सही विकास के लिए हमें वोट डालना चाहिए। सुचारू मतदान के लिए 80,000 से ज्यादा चुनाव अधिकारी अपनी ड्यूटी पर लगे रहे। पहले दौर की रिकॉर्ड 75% वोटिंग ने इस दौर के मतदाताओं में खासा जोश भरा। प्रदेश में मतदान पूरा होने के साथ ही कई आला नेताओं की किस्मत अब ईवीएम की मशीन में बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 843 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को छत्तीसगढ़ राज्य से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आखिरी फैसले के लिए हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। दुर्ग से कृति मिश्रा, राज्यसभा टेलीविजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि राज्य में हुआ भारी मतदान सत्ता विरोधी नहीं बल्कि सत्ता के पक्ष में है। उनके मुताबिक किसानों, महिलाओं और युवाओं ने सरकार के कामकाज के पक्ष में वोट दिया है। राज्यसभा टीवी से खास मुलाकात में रमन सिंह ने माना कि नया राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ में कई चुनौतियां हैं। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उनसे खास बात की। सर, छत्तीसगढ़ में अभी एक तरह से मतदान खत्म हो गया, दोनों चरण पूरे हो गए, आपके हिसाब से सर कैसी तस्वीर बन रही है विधानसभा की? अब तो करीब करीब आज के द्वितीय चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है, पहले जो 18 विधानसभा के हुआ है और अभी 72 के हुए, जो रुझान दिख रहा है और जिस प्रकार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो अपने आप में एक उपलब्धि है। और मैं इसको बोलता हूँ कि प्रो इनकम्बेंसी, व्यवस्था के साथ, विकास के साथ, खाद्यान्न सुरक्षा योजना के साथ, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ जो रिजल्ट आया है तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ सरकार होने का, और सरकार उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो उनको लगा कि एक वोट देना चाहिए। जो नक्सलवाद की बात आती है तो कांग्रेस का ये कहना है कि तीन, जब वो सत्ता में थे तो तीन ही जिले में था, उठा के 14 जिले में हो गया है। ये इस समस्या को, ये पता है कि आप अकेले स्टेट के बूते नहीं लड़ा जा सकता है, इस दिशा में क्या सक्रिय पहल करने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, नक्सल का जन्म ही 40 साल से है छत्तीसगढ़ में, और प्रभाव क्षेत्र उनका 7 राज्यों में है, 140 जिलों में से ऊपर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की जो बात हमने कही थी, समन्वित कार्य योजना राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार, और एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमने प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री से बात की कि दो स्तर में होना चाहिए। एक तरफ पुलिस की जो कार्रवाई है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस का जो काम है वो तो एक तरफ चलता रहेगा, मगर उससे भी बड़ी जरूरत है पीडीएस वहाँ ठीक हो, हेल्थ ठीक हो, सड़कों का जाल बिछे, सर्विस सेक्टर में जितने भी हमारे वहाँ आवश्यकताएं हैं उसको काम करें, हॉस्पिटल, स्कूल, तो इसके लिए बहुत बड़ी जो फंड की जरूरत होती है। तो हमने इसमें कहा कि हमको ताकत झोंकना पड़ेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस सड़क को पिछले 10 साल में नहीं बना पाया, तो अब वो दिक्कत आती है कि वहाँ हर काम चुनौती से भरा है। एक 50 किलोमीटर सड़क बनाना सामान्य जगह में तो आसान है, मगर वहाँ उसको बनाने में पूरी शक्ति झोंकनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब हम बेहतर समन्वय के साथ आने वाले समय में इसका सही तरीके से निराकरण करेंगे। सर, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रायपुर ग्रामीण से उम्मीदवार सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए थे। उनका मानना है कि रिकॉर्ड मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है। राज्यसभा टीवी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उनसे खास बात की। चुनाव आयोग ने बहुत कहा है कि वो स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान होगा, कहीं कोई शिकायत ऐसी मिल रही है? नहीं, शिकायत तो नहीं कहीं मिल रही है। स्लो पोलिंग की शिकायत जरूर है, स्लो पोलिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ जाकर के, यहीं के एक बूथ के बारे में बताया है। स्लो पोलिंग भी कभी कभी एक तरह से मैनेज प्रैक्टिस की व्यवस्था होती है, इसलिए अधिकारियों से मैं बात करूंगा, पोलिंग फास्ट होनी चाहिए, लंबी लाइन लगी है, लोग वापस रह जाए, ये बस। अन्यथा और स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के जो इंतजाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने
पहली बार इतनी अच्छी बेहतरीन व्यवस्था की है जिसकी हर आदमी तारीफ कर रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने शराब और पैसा बहुत बांटा है, इसका कोई असर नहीं होगा इतना हम जानते हैं। जी सर, एक आखिरी ये कि जो स्वीप प्लान के तहत जो मतदाता जागरूकता, आप लोग भी राजनीतिक प्रक्रिया के लोग भी इसमें शामिल हैं, बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड पोलिंग होने जा रही है? निश्चित तौर पर रिकॉर्ड पोलिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। थैंक यू सर। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाकी राज्यों पर खास नजर। और आइए अब देखते हैं खबरें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज धार जिले के कुक्षी और सीधी में चुनावी सभाएं करेंगे। वो 22 नवंबर को मंदसौर जिले में बालाघाट के लांजी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार यानी कल झाबुआ जिले के मेघनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। जबलपुर में मंगलवार को प्रचार के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान देश में समस्याओं का अंबार लग गया, आर्थिक चुनौतियां देश के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जीत का परचम लहराएगी। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में और दूसरे राज्यों में भी हम जनता से पॉजिटिव मैंडेट मांग रहे हैं। पॉजिटिव हमने क्या किया है इस आधार पर हम लोगों से वोट मांग। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके पहले करीब करीब कुछ ही दिन है, चुनाव प्रचार जोरों पर है, तमाम बड़े नेता प्रचार करेंगे। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश में मौजूद है, भोपाल से समय हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, कांग्रेस के लिए कठिन लड़ाई है मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह की छवि को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती है, उनके कामकाज को लेकर उपलब्धियां गिनाई काफी जाती है, तो कठिन लड़ाई एक कांग्रेस के लिए जरूर है। क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी कमजोरियां हैं जो कांग्रेस पकड़ रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, और उन्हें जनता के सामने ला रही है? जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और पिछली बार अगर आप देखें तो सीटों का अंतर भी भारी था और लगभग आधी सीटें कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी ने उनसे दुगनी सीटें जीती थी। हालांकि वोट का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो मात्र 4% वोट का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन ये बात सही है कि जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसमें सीटें मैटर करती हैं और सीटों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार दुगनी सीटें जीती थी कांग्रेस से। इस चुनाव की अगर बात करें, शुरुआत में आपने जो जैसे कि पूछा कि कांग्रेस कौन से ऐसे मुद्दों को पकड़ रही है, तो शुरुआत में एक झिझक थी कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जिनकी छवि का आपने जिक्र किया कि उन पर हमला किया जाए या नहीं, लेकिन अंततः अब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, और भ्रष्टाचार को यहां पर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। चाहे वो मेडिकल सीट्स के अलॉटमेंट की बात हो, परीक्षाओं में दिक्कत की बात हो, या यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है उसके परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर हो, या दूसरी योजनाओं में जिस तरह के दिक्कतें आई हैं उसको लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अब लगाने शुरू किए हैं। और अखबारों में अगर आप देखें, आज के अखबार में भी बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट किया गया है, क्योंकि पिछले दो दिन में कांग्रेस ने जिस तरह के आक्रामक विज्ञापन के जरिए शिवराज चौहान की सरकार पर हमला किया है, उसके बाद आज पहली बार ऐसा दिखा है कि उसी भाषा में बीजेपी ने भी शायद जवाब देने की कोशिश की। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इस बार कम से कम मध्य प्रदेश में ये नजर आ रहा है कि सारे जितने भी बड़े नेता हैं, और यहाँ पर कई बड़े नेता हैं, चाहे आप कमलनाथ की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, सभी लोग बहुत आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं और अब लड़ाई प्रचार के स्तर पर कम से कम बीजेपी से बराबरी की नजर आ रही है कांग्रेस की। जी, और बड़ी बात है कि एकजुटता पार्टी दोनों ही पार्टियों के अंदर दिखाई जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है मध्य प्रदेश के अंदर। बड़ी रैलियां हैं शाम, बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, इन रैलियों का कितना असर नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर?
देखिए असर तो अभी उसका आकलन होना बाकी होगा कि कितना असर होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो जमकर यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां होने वाली हैं और राहुल गांधी 2 जगह पर रैली करेंगे। उसके अलावा भी जो राज्य से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, वो अलग अलग जगहों पर, मसलन कल कमलनाथ सुरेश पचौरी के लिए प्रचार करने पहुंचे। और निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तो भीड़ जुटती है और एक पार्टी की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश होती है, और निश्चित तौर पर कम से कम जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको, उनका मोराल बूस्ट करने में ये रैलियां काम करती हैं, चुनाव का एक माहौल बनाने में ये रैलियां काम करती हैं। तो निश्चित तौर पर एक असर तो होता है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी पार्टी के लिए कि जो लोग रैलीज में आ रहे हैं उसको वोट में कैसे तब्दील किया जाए। और जाहिर है कि विधानसभा चुनावों में आमतौर पर स्थानीय मुद्दे जो है वो बड़े होकर उभरते हैं, यहाँ पर चाहे हमने छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार देखा, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, तो जो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो ज्यादा, यानी पार्टियां अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, इसीलिए तमाम बड़े नेता दोनों ही बड़ी पार्टियों के लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी और साथ ही नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां प्रदेश के अंदर होनी है। सीधी जिले का हाई प्रोफाइल सीट चुरहट पर इस बार इस चुनाव में सबकी नजरें टिकी हैं। आखिर चुरहट में क्या है, लोगों की समस्याएं और यहां के लोग क्या चाहते हैं चुनाव से, ये जानने की कोशिश की राज्यसभा टीवी संवाददाता पंचानन मिश्रा ने खास कार्यक्रम चौपाल में। नमस्कार, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की इस खास कवरेज के सिलसिले में हम आज हैं सीधी जिले की चुरहट तहसील में। चुरहट की विधानसभा सीट इसलिए जानी जाती है कि अकबर के सलाहकार बीरबल और जाने माने कवि बाण भट्ट की जन्मस्थली है। लेकिन इसके अलावा क्या है स्थानीय लोगों के मुद्दे, चुरहट विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं, इसके लिए बात करेंगे स्थानीय लोगों से। ज्यादातर आबादी यहाँ पर किसानों की है, सर्विस क्लास भी है लेकिन किसान ज्यादा है। किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनको बिजली पानी सही समय पर मिलता है? बिजली तो सही समय मिलती नहीं है, पहले कुछ टाइम था कि टाइम में मिल जाएगी और कटौती जो है तो क्लियर थी कि इतने बजे, अब जो है तो आती है और चली जाती है, कुछ समझ में नहीं कब आएगी कब चली जाएगी। जो चुन के प्रतिनिधि आएगा उनसे क्या आपकी उम्मीदें हैं? हमारे चुरहट विधानसभा में जो उम्मीद हम लोग करते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी यहाँ से जो गई थी मध्य प्रदेश में, तो बिजली सड़क और पानी के मुद्दे को लेके यहाँ से गई थी, लेकिन आज मैं भी ये मानता हूँ कि वो परेशानियाँ बराबर बनी हुई हैं। आज हमारे जिले में देख लीजिए कि हमारी विधानसभा में देख लीजिए, सड़कों की हालत ख़राब है। अगर आप रीवा से चले होंगे तो सड़कों की हालत ख़राब है। एक यहाँ पर स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जिन्होंने कि BCA कर रखा है लेकिन ये अपने जो रोज़गार है उसके लिए गाड़ी चलाने मजबूर हैं, क्या है बताइए आपकी दिक्कत? यहाँ जो है तो हम लोग को जैसे बाहर पढ़ने जाना है, यहाँ ना कॉलेज है, ITI नहीं है, तो हम लोग के पास इतना तो पैसा नहीं है कि हम लोग दूर तक, इतने पूंजीपत तो नहीं है कि हम लोग भोपाल इंदौर पढ़ें, जिससे कि या शिवराज सिंह तो रोज घोषणा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज हम खुलवा रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कहाँ है रोजगार? अस्पताल, माता जी ये बताएं, यहाँ पर अस्पताल है, डॉक्टर मिलते हैं अस्पतालों में? डॉक्टर मिला का मिला था, बराबर काम नहीं हो, जब घोंस हो कोहू को लाई जा चमचा का। भाई साहब आप बिजनेसमैन है, यहाँ पर आपको जाना पड़ता है सड़कों से, क्या हाल है सड़कों का? हालत बहुत खस्ती हो चुकी है, ये 10 साल के दरमियान में तो और ज़्यादा खस्ती हो गई है। गाड़ी साधन भाड़ा हम लोगों को बढ़ गया है, गाड़ियाँ लेके जाते हैं पट्टा तोड़ती है, नुकसान होता है, मोटर मालिक से बात करते हो रेट बढ़ाता है, डीजल बढ़ा है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें हैं हम लोगों को। 10 सालों से यहाँ पर BJP की सरकार है, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है, 10 साल के पहले की क्या स्थिति है थी और आज की क्या स्थिति है? किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, ना गरीबों को सुनते हैं। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं उनसे भी ये लोग खफा हैं और चाहते हैं कि जो आने वाला प्रतिनिधि हो इन चुनाव में जो चुन कर आए वो इनकी बिजली सड़क पानी जैसी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। चुरहट विधानसभा सीट से कैमरामैन चेतन वीर सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV। और अब रुख करेंगे राजस्थान की चुनावी रण का। राजस्थान की चुरू विधानसभा सीट पर मतदान की तारीख में फिर बदल किया गया है। चुरू से BSP प्रत्याशी जगदीश के निधन के बाद राज्य चुनाव आयोग ने 13 दिसंबर को मतदान की घोषणा की है। BSP के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 26 नवंबर तक का समय मिलेगा, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 नवंबर तय की गई है।
राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है। और अब खबरें दिल्ली के चुनावी दंगल से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच में 900 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं, जबकि आवेदन पत्र में गड़बड़ी के चलते 210 पर्चे खारिज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी से 75, कांग्रेस से 70, बीएसपी के 69, बीजेपी के 68, सीपीआई के 10, सीपीएम के 3 और एनसीपी के 9 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। इसके अलावा 300 दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा 296 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के लिए 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है। आयोग विशेष रूप से सक्षम मतदाताओं के लिए भी खास तैयारियां कर रहा है। राजधानी दिल्ली में चुनावी गहमा गहमी धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। चुनाव आयोग भी मतदान के वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव का कहना है कि विशेष रूप से सक्षम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने खास पहल की है। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के जो हमारे वोटर्स हैं वो हमारे प्रायोरिटी वोटर्स हैं, और उनके लिए चाहे क्यू मैनेजमेंट के अंदर, चाहे उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए जैसे बैठने की व्यवस्था है, सो ऑन प्रायोरिटी क्यू मैनेजमेंट में उनका ध्यान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक विशेष रूप से सक्षम मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही उनके लिए पोलिंग बूथ पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारियों को ऐसे मतदाताओं की हर संभव मदद करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विशेष तौर पर सक्षम कुछ मतदाताओं का अनुभव पिछले चुनाव के दौरान अच्छा नहीं रहा। कई बार हम अपनी पर्ची लेके जाते हैं अपना नाम दर्ज वो करने के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता कि नाम है नहीं, कभी वहाँ भेजते हैं कभी यहाँ भेजते हैं, ये भी बहुत होता है। तो पिछले बार मेरे साथ हो चुका है। सरकार या वोट अपना चुनाव आयोग व्हीलचेयर का इंतजाम ही नहीं करते हैं वो, कि व्हीलचेयर का इंतजाम तो मोस्टली होना चाहिए, क्योंकि डिसेबल है या सीनियर सिटीजन है उसको भी वो भी आते हैं, तो एक तो व्हीलचेयर का यूज़ होना चाहिए, वहाँ व्हीलचेयर होनी चाहिए। उनके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हैंडीकैप के इतने पर्सन हैं, इतने आएंगे, और उनके अलग से लाइन दी जाए, अगर लाइन नहीं दे पाते या फिर अलग रूम दे कि इस रूम में आके वो वोटिंग कर सकें। दिल्ली में 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में 53.4% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था, जबकि 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 57.8% रहा था। चुनाव आयोग पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक हफ्ते भर में पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हमारे संवाददाता अनु दीवान ने उनसे खास बात की। बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स आया था जिसने केजरीवाल के ऊपर इंक फेंकी थी और अपने आप को बीजेपी का समर्थक बताया था, इसे आप देखिए। बात यह है कि अब आप मान लीजिए यहाँ पर आकर सपोज करो आप यहाँ पे हंगामा कर दो और आप फिर यहाँ पर सब मीडिया वालों के सामने बोलो मेरे को बीजेपी के प्रेसिडेंट ने भेजा था, तो इससे कोई बात सिद्ध थोड़ी हो जाती है। हमारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। अब ये ओछी राजनीति वगैरह लोग कर रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी हो इस तरह का प्रजातंत्र में इस तरह की हरकत करना, इस तरह की ओछी हरकतें करना, शाही फेंकना वगैरह, इसकी मैं बिल्कुल एकदम घोर निंदा करता हूँ। इट शुड बी कंडेम्ड बाय वन एंड एवरीबॉडी। लेकिन अगर आप हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो वो कब आएगा और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर बीजेपी, किन चीज़ों के, सभी विषय हैं। अब दिल्ली में देखो गांवों की समस्याएं हैं, अनधिकृत बस्तियों की हैं, शहर की समस्याएं हैं, कोई पानी की समस्या है, कोई बिजली की है, कोई स्कूल की है, कोई कॉलेज की है, कोई अस्पताल की है, कोई हेल्थ की है, एजुकेशन की है, कोई पूर्ण राज्य के दर्जे की है, ये सारे विषय जो है इन पर उस पर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनके पत्र का जवाब दे दिया है। अन्ना हजारे के मुताबिक उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। मुझे संदेह आ गया, निर्माण हो गया
कि ये गलत आप जो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मुझे संदेह है, इसलिए मुझे जवाब भेजना कि सच क्या है। 29 दिसंबर को हम जन लोकपाल लाने वाले हैं, अन्ना हजारे का जन लोकपाल, तो मेरा नाम जो लगा है वो ठीक नहीं है। और अब एक नजर मिजोरम के चुनावी मैदान पर। उत्तरी त्रिपुरा में बने 6 ब्रू राहत शिविर में लोग डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 23% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। आज भी लोग डाक के जरिए मतदान करेंगे। विशेष निगरानी में मतदान के लिए कई विशेष पर्यवेक्षक, नोडल अधिकारी और 86 पोलिंग अधिकारी भेजे गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस की 3 पलटून तैनात की गई है। रेयांग जनजाति यानी ब्रू उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर सब डिवीजन में रहती है। ब्रू लोग 1997 में जातीय हिंसा फैलने पर अपना गांव छोड़कर त्रिपुरा चले गए थे। मिजोरम में मतदान 25 नवंबर को और मतगणना 9 दिसंबर को होगी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें मिजोरम इकलौता राज्य है जहां महिला वोटरों की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन पिछले 25 साल में एक भी महिला चुनकर विधानसभा नहीं पहुंची। इस बार के चुनाव में भी हालात बहुत बदले नहीं मालूम हो रहे हैं। कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने सिर्फ 1-1 महिला उम्मीदवार को टिकट थमाया है। मिजोरम चुनाव में महिलाओं के मुद्दे जोर शोर से उठ रहे हैं। हर पार्टी जानती है कि बड़ी तादाद में मौजूद महिला वोटरों को नजरअंदाज कर सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। मिजोरम में प्रति 1000 पुरुष पर महिला मतदाताओं का अनुपात 1038 है। राज्य में कुल 686,305 महिला मतदाता हैं और पुरुषों से इनकी संख्या 12,707 ज्यादा है। The sex ratio in my district is positive. We have more women. And the sex ratio of the electorate is more than the sex ratio of the census. So, and even in the last elections, we had more women voting. सत्ताधारी कांग्रेस ने पहले ये वादा किया था कि इस चुनाव में महिला उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन अंत में सिर्फ एक महिला को ही टिकट थमाया। Tickets are distributed on the strength of winnability. Just because there is a woman and should give ticket, and if she lose, then you can lose your entire government also. मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने भी एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 1987 में एकमात्र महिला उम्मीदवार इसी पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंची थी, जो मंत्री भी बनी। मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ZNP ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। 2 महिला निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह मैदान में महज 4 महिला उम्मीदवार हैं। इससे पहले 1979, 1984, 1987 में एक एक महिला जीतकर विधानसभा पहुंची थी। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, आइजॉल। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2013 में इतना ही। नमस्कार।